हाय गाइस, तो कैसे हो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है जब भी आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के पासवर्ड को रीसेट करते हैं, वी कैन सेंड ए लिंक टू दिस नंबर बिकॉज ऑफ योर सिक्योरिटी सेटिंग, एंटर योर यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस इंसर्टेड। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो मैं इस प्रॉब्लम को 100% गारंटी ले रहा हूँ, आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। क्योंकि मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मैंने अपने दो दोस्त हैं उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो उनकी जो प्रॉब्लम है वो मैंने फ़िक्स करा दी है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, मुझे फ़िक्स करना आता है। तो कैसे हम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आप बाद में कमेंट करोगे, भाई मेरी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं हुई है, ये वो, मतलब हज़ारों आप हमें कमेंट्स करोगे। इससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और वीडियो को स्किप नहीं करना है। वीडियो शायद थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो ये प्रॉब्लम आती है तो इसका सीधा सीधा इंस्टाग्राम का कहने का मतलब है, हम जो लिंक है आपके मोबाइल नंबर पर नहीं भेज सकते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है इंटर योर यूज़र नेम एंड ईमेल इंसर्टेड, तो आपको बता रहे कि आप यूज़र नेम डाल के आप कर सकते हैं और ईमेल डाल के कर सकते हैं। तो अगर आप ईमेल करके कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप मोबाइल नंबर डाल के फाइंड योर अकाउंट कर रहे हैं, अपना अकाउंट फाइंड कर रहे हैं, मोबाइल नंबर पे भेज रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यूज़र नेम डाल के फाइंड करना है या फिर ईमेल डाल के फाइंड करना है। आपको ईमेल डाल के फाइंड करना है, उसके बाद आपको ईमेल पे भेजना है। तो हम अभी एक और स्क्रीनशॉट है, तो ये हमने स्क्रीनशॉट लेके रखे थे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे, उस पर अगर पासवर्ड रीसेट लिंक नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिलता है सेंड एन ईमेल, तो आपको क्या करना है, सेंड एन ईमेल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके ईमेल पे पासवर्ड रीसेट लिंक पहुँच जाएगी, उसके बाद वहाँ से आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे, अगर आपकी ईमेल लिंक नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको लॉग इन विद फेसबुक, अगर आपका फेसबुक अकाउंट जो है जो इंस्टाग्राम से लिंक है, तो आपको क्या करना है, लॉगिन विद फेसबुक पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है फेसबुक से ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। पर आप बोलोगे कि भाई यार मेरा तो ईमेल भी लिंक नहीं है और ना ही फेसबुक से लिंक है, तो मैं क्या करूं। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं आपको और भी ट्रिक्स बताऊंगा। ज़रूरी नहीं कि ये ट्रिक जो है मतलब काम ही करे, और मतलब ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो काम करेगी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपका ईमेल और फेसबुक लिंक नहीं है, मतलब ईमेल भी लिंक नहीं है, फेसबुक से भी लिंक नहीं है, तो मैं आपको आगे ट्रिक्स बताऊँगा। तो मेरे कहने का मतलब अलग है, तो आप इसे गलत बिल्कुल भी ना समझें। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है इसके लिए, अगर आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है, 24 hours का आपको वेट करना है या 48 hours का आपको वेट करना है। तब तक के लिए आपको अपने अकाउंट्स को छोड़ देना, बिल्कुल भी आपको अपने अकाउंट से छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको 24 या 48 hours का आपको वेट करना है, उसके बाद आपको दोबारा से करना है, उसके बाद आपका आपके मोबाइल नंबर पर जो है पासवर्ड रीसेट लिंक भेज दिया जाएगा। पर गाइस, अगर आपने 24 या 48 hours का भी वेट कर लिया है, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम फिक्स नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको एक वेबसाइट की लिंक मैं दे रहा हूँ, इस वेबसाइट पे आपको आना है। आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे आपको आना है। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको इस वेबसाइट की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वेबसाइट की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, तो आप इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं आर्टिकल देखने को मिलेगा। तो हम इसे अभी नीचे जाएंगे, सबसे नीचे आपको चले जाना है, आर्टिकल के एंड में आपको जाना है, और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक हियर, तो आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगा VPN, तो आपको क्या करना है, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो मेरा पहले से इंस्टॉल है, तो हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये एड्स आ रहे हैं, तो हम इसे एड्स को कट करेंगे। उसके बाद आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, इसे कनेक्ट हो जाने देना है। कनेक्ट हो गया है, तो हम इसे बंद करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने इंस्टाग्राम में, आपको जाना है अपने इंस्टाग्राम में, और आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना है लॉगिन। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है, अपना यूज़र नेम डालना है या ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको सेंड करना है, उसके बाद आपका जो है
वो ईमेल जाना है वो स्टार्ट हो जाएगा। पर गाइस अगर आपका जो ईमेल है इसके बाद भी नहीं आता है, इसके बाद भी वहीं पे अगर आपको वहाँ पे वही प्रॉब्लम देखने को मिलती है, सेम प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो आपको क्या करना है, आपको उस वेबसाइट पे फिर से उसी वेबसाइट पे आपको जाना है और आपको क्या करना है, आपको इस आर्टिकल को, ये जो आर्टिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब मैंने ना जो वीडियो में जो चीज़ नहीं बताई है वो इस आर्टिकल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर मैं इस वीडियो में जो ये जो ट्रिक है इस आर्टिकल पर जो लिखी हुई है वो अगर इस वीडियो में अगर बताऊंगा ना तो कम से कम घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो ये आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये इसके लिए ना आधी वीडियो हमने इस वेबसाइट पे लगाई हुई है, इस वेबसाइट पे आप देख सकते हैं नीचे एक वीडियो है। तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे ना बताया गया है कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है, उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कुछ सोल्यूशन बताए गए हैं और उसके बाद आपको नीचे बताया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और बहुत सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पर। तो बस आपको इस वेबसाइट पर आना है यहाँ पे, तो मैं आपको जो कुछ बता रहा हूँ ये कोई भी नहीं बताएगा आपको कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें, बहुत इतनी अच्छी तरीके से कोई भी नहीं बताएगा जितनी अच्छी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको इस पे चले आना, इस आर्टिकल को पढ़ लेना और आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को देख लेना। ये वीडियो, इस वीडियो में ना जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताई गई हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को देख लेना। अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं जो चीज़ आर्टिकल में लिखी हुई है वही वीडियो में, और जो वीडियो में चीज़ बताई है वही आर्टिकल में, मतलब दोनों एक ही चीज़ है। पर अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी, आप किस में इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आपको इस वेबसाइट पर आ जाना, इसके बाद आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, तो इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो आई होप आपकी जो प्रॉब्लम है इसके बाद फिक्स हो जाएगी। तो आई होप आपको यो आपका जो अकाउंट है वो रिकवर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।